नमस्कार, ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो बेसिकली आजकल की गर्लफ्रेंड नमक तबाही की कहानी है। इसमें कैसे प्यार से लौड़े लगते हैं, बस इतनी सी बात आपको बतानी है। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, हम जस्ट ट्राइंग मल्ला वैसे भी कान की जबी है। लौंडे प्यार में क्या क्या चूतिया पे नहीं करते, तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने किससे किए ये सोच के खुद को कोसोगे। कहते शिकार का दरिया लेकिन लौड़ू तो तैरना कहाँ आता है, जहाँ दी जाता गांडू वहाँ पर तुम काय को गुजारा है। आजकल के रिलेशंस कितने झाटू और दो पौड़ी के, हमारे अंदर के सारे घाव उस पाक की लौड़ी के। उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गांड में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है बाबा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। तुम्हारे जैसे चूती आशी की घुमा चुकी हजार, ये सारी मतलब की मशीन है, इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार। कितनी भी मरा लो इनको हमेशा कम पड़ जाता है, हर दो मिनट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। लेकिन हालत ये कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाते, सामने लिखा रहता है गांड फटने वाली है लेकिन क्यों उसको पढ़ नहीं पाते। पता नहीं ये छोटा सा बंदा इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल्ड जो बेस्ट फ्रेंड है इनके साथ में बस सोना चाहता है। लौंडों से इतनी देर तक गले लगती है कि न जाने कब के पिछड़े, और गांड जोली में हम ये सोचते हैं कि हम ही शायद पिछड़े। इनकी सखी सहेली हमें ब्रॉड माइंडेड होने की राय देती है, खुद के रिश्तों के लौड़े लगे हमारे भी लगा देती है। हमारे इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा हाथ इनके कपड़ों को भी जाता है, जिसे निकलेवे जो रैश क्रैक एकदम साफ नजर आता है। लूवेस पहनना भी बिचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इनकी गांड का तितली का टैटू लोगों को दिखना भी तो जरूरी है। प्यार को समझने की इनकी औकात नहीं है, हम माँ बाप से मिला दे इनमें ऐसी कोई बात नहीं है। इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं, असलियत में लैला की छांट नहीं है। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा, जान के अनजाना था हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। हमारा नंबर हमेशा व्हाट्सएप फेसबुक के बाद ही आता है, ये हगने बाद में जाती है, पहले इनका अपडेट आ जाता है। सारा दिन और सारी रात की फोन की गांड में घुसी रहती है, और कुछ बोलो तो इनका बहुत थोड़ा उदास हो जाता है। तुम्हारे एब्सेंस से पता नहीं लौंडिया क्या क्या करती है, इनका कोई मान धर्म कोई मॉरल वैल्यूज थोड़ी जिससे ये डरती है। कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको एक साल से गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारे जाने के बाद में भोसड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है। एक दिन गिटार उठाकर बोलती है सी बीन गिफ्टेड बाय माय एक्स, एक बार तो मुंह से उसके नाम भी निकल गया। व्हेन वी वर हैविंग सेक्स गांड पट्टी में 2 सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया, मैं छोटू को ढूंढता रहा बेचारा झाड़ियों में कहीं खो गया। बाप के पास में स्कूटर नहीं लेकिन लड़का BMW वाला होना, कड़कों के इस साथ में होता है इनका सारा रंडी रोना। पैसे वाले लौंडे के साथ में एकदम गांड फटी में ही रहती है, फिर उनकी माँ बहन क्या उनके जूते चप्पल दिए सहती है। बचपन में जो पापा ने समझाया था अब समझ में आई हो बात, कि पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छी लड़की कहाँ से मिलेगी। मतलब पढ़ाई इक्वल्स नौकरी इक्वल्स पैसा, हो मतलब पापा को भी पता था ये सालियां पैसों से ही आती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि पैसा होकर भी इनके जाल में क्यों फंस जाते हैं, कुत्ते बन के क्यों इनके सामने प्यार के लिए हाथ फैलाते हैं, क्योंकि हम चूती है एंड वी ऑलवेज नीड एन इमोशनल सपोर्ट, और उसी बात का तो फायदा उठाती है मदरफकिंग होर्स। बहुत सारी होता है लास्ट काउंट हाउ मेनी पीपल दे स्लेप्ट विद, दे से इट्स सो प्राउडली कि न जाने माँ बाप की कितनी सेवा की है। 15-20 मिनट तक तो ये हमको पहचानती तक नहीं है, उसके बाद इनको याद आता है। इसने भी तो मेरी ली है। लेकिन इतने सारे लोगों को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल भी तो नहीं है, बड़ी बात है कि इनको एटलीस्ट याद है कि हम इनके साथ हैं, और हो सकता है क्योंकि ये इनके टेम्पररी हालात हैं, नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही भूल गई है। कितना क्यूट फेस बनाकर मेरी लिरिक्स सुन रही है, जैसे इनको आइडिया ही नहीं है कि सब मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली हंस इसीलिए रही है क्योंकि इनकी गांड फटी हुई है, क्योंकि एक एक करके मैं इनके सारे राज खोल रहा हूँ। मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते, मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा, जान के अनजाना था हमेशा मैं बेगाना था, तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा। दूसरे डूस के एग्जाम्पल लेकर हमेशा हमारी गांड जलाती है। You know my friend Sunny? Oh my God, एकदम संजय दत्त दिखता है। अगर इनकी चूत जैसी शक्ल से हमें प्यार नहीं हुआ होता ना, तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है। एक महीने में आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इनके सामने फेड हो जाता है। Then they talk business, घर पे क्या बोलूं, तो कितना कमाता है। फिर धीरे धीरे इनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, और एकदम से इनके लाइफ में कोई NRI आ जाता है। लेकिन कभी मुंह खोलकर ये नहीं बोलेगी कि वो आपको छोड़ने वाली है। They play mind games and let you do this dirty job. You deserve someone better. मैं बहुत बुरी हूँ, खुश है ना तू। एंड में लगता आपने कि ये बेचारे पे ना जाने कितने पाप। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पट से बदल जाती है, अगर बहुत उमड़ के प्यार आ रहा है तो जरूर आपसे कुछ चाहती है। You're only there till she finds someone better than you. उसके बाद who are you और man, चोट कौन है रे तू। हम
सबको लगता है सिर्फ हमारे साथ हुआ, लेकिन भाई सबकी स्टोरी है, निकल भी नहीं सकते, उगल भी नहीं सकते, अजीब सी ये मजबूरी है। इसीलिए आप लोग मेरी लिरिक्स से इतना ज्यादा कर रहे हो रिलेट, मैं भी फ्रस्ट्रेट होकर ही कर रहा हूँ यार ये कहानी नरेट। हमारी गांड मारते मारते भले कभी नहीं थकती है, लेकिन लेंट उपवास और रोजे एकदम याद से रखती है। Now even God knows that you guys are so fucking fake। हंसते होंगे वो ऊपर तुम्हारी झूठी भक्ति देख, भगवान करे जो मैंने सहा उसका एटलीस्ट आधा तू भी भोगे, और तू भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके, तेरी आंखों के सामने तेरा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करे, और सारी रात तू रो रो कर बस मुझको मिस करे। If my love was true, तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा, ऊपर वाला मुझे भी तो देगा तुझ पर हंसने का एक मौका। Don't you think of coming back, because now I hate you from my heart। अब स्वाप होने वाले हैं हम दोनों के हालात। तुझे ये सब बोल के बैठ चौक मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्यों मुझे हर जगह अपनी तरह ही मनोज चेहरा दिख रहा है, मुझे बर्बाद करके भी क्यों तो मेरे दिमाग से नहीं जाती है, क्यों मुझे सुबह शाम बस तेरी याद आती है, क्यों। बातें तेरी सारी मुलाकातें तेरी, जाने कैसे तुझको मैं बताऊं, कैसे भुलाऊं तुझे, दिल से मिटाऊं तुझे, कैसे दिल की आग बुझाऊं। Junior has won the toss and he has decided that he will be going out first. Oi, thandrak chomu, I am the captain of this ship, okay? I get to go out first. Man, I won the toss.